नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है ये चिड़ा और चिड़िया का प्रसंग है। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है और मोटिवेशनल है। जिस घर में रोज पति और पत्नी में झगड़ा होता है, वह लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। प्रिय मित्रों, जिन लोगों में, जिन पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता है, वह लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का झगड़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा और उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। प्रिय मित्रों, जिस घर में आए दिन रोज झगड़ा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। उस घर में सदा अलक्ष्मी निवास करती है। उस घर की सुख समृद्धि भंग हो जाती है और जिस घर में आए दिन झगड़ा होता है, उस घर में सदा दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए इस कहानी पर आप जरूर अमल करें। प्रिय दर्शकों, जिस घर में पत्नी अपने पति से अक्सर इस बात को कहती रहती है कि आप मुझे नहीं चाहते हैं, आप किसी अन्य से प्रेम करते हैं। प्रिय मित्रों, वह महिला इस कहानी को जरूर सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद उनको यह पता चलेगा कि कौन सच्चा प्रेम करता है और कौन झूठा प्रेम करता है। इस कहानी के अंत में ऐसी आपको तीन महत्वपूर्ण खास बातें सुनने को मिलेंगी। प्रिय मित्रों, यह तीन बातें ऐसी हैं जो आपको आपके जीवन में सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। आपकी होने वाली संतान को भी यह तीन बातें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। यदि आप इन तीन बातों पर अमल करते हो तो प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की ये प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बेंतहा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। चिड़िया अक्सर चिड़ा से इस बात को लेकर के झगड़ती रहती थी कि तुम मेरे से प्रेम नहीं करते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। इसी बात को लेकर चिड़िया अक्सर चिड़ा से लड़ाई झगड़े किया करती थी। जब चिड़िया इस बात को चिड़ा से कहती कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तब चिड़ा चिड़िया को समझाने की बेहद कोशिश करता, लेकिन चिड़िया चिड़ा की बात पर विश्वास नहीं करती, यकीन नहीं करती। चिड़िया अक्सर इसी बात को कहती कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो और मैं तुमसे बेंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। इसी बात को लेकर उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। उनके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी थे, उनकी मजाक किया करते थे। प्रिय मित्रों, चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया को समझाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन चिड़िया चिड़ा की एक भी बात पर यकीन नहीं किया करती थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था। अब काफी समय हो जाता है, एक दिन चिड़ा और चिड़िया एक साथ बैठे हुए थे। तब चिड़िया चिड़ा से यही बात कहती है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए इधर उधर घूमते रहते हो, समय पर घर नहीं आते हो, समय पर बात नहीं करते हो, कभी मुझे अपने साथ में नहीं लेकर जाते हो, कभी घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते हो, इसलिए तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। जब चिड़िया इतनी बात को चिड़ा से कहती है, तब चिड़ा चिड़िया से कहता है कि प्रिय, मैं आपसे बेंतहा मोहब्बत करता हूँ, आपको अपनी जान से भी ज्यादा मैं चाहता हूँ। अब आपको यकीन दिलाने के लिए ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए, मुझ पर यकीन हो जाए। प्रिय मित्रों, चिड़ा की इतनी बात को सुनने के बाद चिड़िया चिड़ा से कहती है कि देखिए, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं, इतने वर्षों से आप कभी भी अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे हो, कभी भी आज तक आपने मुझे कोई अच्छी चीज लाकर नहीं दी है, कभी भी आज तक आप मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं गए हो, तो मैं आप पर किस तरीके से यकीन करूं। प्रिय मित्रों, तब चिड़ा चिड़िया से कहता है कि प्रिय चिड़िया, आज आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण आप मुझ पर विश्वास करें। तब चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है,
कि प्रिय आज तो आपको बताना ही होगा कि मुझे ऐसा क्या करना है जिससे कि आप मुझ पर विश्वास करने लग जाएं। प्रिय मित्रों, चिड़ा की इतनी बात सुनने के बाद चिड़िया चिड़ा से कहती है कि पिया जी, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरी एक छोटी सी शर्त है। उस शर्त को यदि आप पूरा करते हैं तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। प्रिय मित्रों, तब चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, आपकी क्या शर्तें हैं, आप मुझे विस्तार से बताइए, आपकी हर शर्तों को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, चिड़ा की इतनी बात सुनने के बाद तब चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि प्रिय, मेरी शर्त यह है कि यदि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम यह है कि कल सुबह सबसे पहले सबसे जल्दी जो इसी जगह पर आकर बैठेगा वही एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्रेम करेगा। प्रिय मित्रों, चिड़िया कहती है कि प्रिय, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो कल सूर्य उदय होने से पहले इसी जगह पर आपको सबसे पहले आना है। यदि आप पहले आ गए तो आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और यदि मैं पहले आ गई तो मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इस तरीके की चिड़ा के सामने चिड़िया शर्त रखती है। तब चिड़िया की बातों को सुनकर और चिड़ा कहता है कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। प्रिय दर्शकों, दोनों इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। चिड़ा भी हाँ कर लेता है, कहता है कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं सूर्य उदय होने से पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में प्रातः काल इसी जगह पर आपको तैयार मिलूंगा। अब चिड़ा भी यह सोचने लगता है कि मुझे चिड़िया को साबित करना है कि मैं चिड़िया से ज्यादा प्रेम करता हूँ। प्रिय मित्रों, उधर चिड़िया पक्षी भी यह सोचने लग जाती है कि मुझे भी चिड़ा से पहले इसी जगह पर आकर बैठना है, ताकि चिड़ा को यह विश्वास हो जाए कि उनसे मैं ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, अब दोनों में इसी तरह से एक शर्त हो जाती है। चिड़िया सोचती है कि मुझे पहले आना है, और चिड़ा सोचता है कि मुझे पहले यहाँ पर आना है। प्रिय दर्शकों, दोनों में इतनी बात होने के बाद चिड़िया उड़ करके अपने घोंसले में चली जाती है और चिड़ा वहीं पर बैठे रहता है। संध्या काल का समय हो जाता है, रात्रि का समय हो जाता है। चिड़िया अपने बिस्तर में आराम से सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। चिड़िया पूरी रात भर यह सोचती रहती है कि कब ब्रह्मा मुहूर्त का समय होगा और कब मैं यहाँ से उड़ करके उस जगह पर जाऊंगी ताकि मैं चिड़ा से पहले पहुंच सकूं। चिड़िया इसी बात को सोचकर पूरी रात भर जागती रहती है, लेकिन अपने गर्म बिस्तरों में लेटी रहती है, आराम करती रहती है। प्रिय मित्रों, उधर वो चिड़ा चिड़िया के जाने के बाद सोचने लगता है कि यदि मैं अपने घर गया तो हो सकता है मुझे नींद आ जाएगी और मैं चिड़िया से जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसीलिए चिड़ा सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसी जगह पर रुक जाऊं, आज की रात यहीं पर गुजारूं, ताकि जब भी चिड़िया आए तो उसको मैं यहीं पर बैठा मिलूं। प्रिय मित्रों, यही सोचकर चिड़ा उसी जगह पर रुक जाता है और एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। जब चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है तो प्रिय मित्रों, वह सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उस रात बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी। प्रिय दर्शकों, ठंड के मारे चिड़ा के हालात खराब होते जा रहे थे। धीरे धीरे चिड़ा का पूरा बदन ठिठुर रहा था। जब आधी रात का तीसरा पहर का समय होता है तो प्रिय मित्रों, आसमान से बर्फबारी होने लगती है। धीरे धीरे आसमान से बर्फ गिरने लगती है। अब चिड़ा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चिड़ा बर्फ से ढक जाता है और चिड़ा के हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। जब चिड़ा बिल्कुल ठिठुर जाता है तो प्रिय मित्रों, उसके हाथ पांव काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो चिड़ा पेड़ की डाली से नीचे गिर जाता है और नीचे झाड़ियों में जाकर गिरता है। जब चिड़ा झाड़ियों में गिरता है तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और पड़ा रहता है। प्रिय मित्रों, ऊपर से आसमान से बर्फबारी हो रही थी। धीरे धीरे चिड़ा के ऊपर बर्फ जम जाती है और चिड़ा बर्फ के अंदर दब करके खत्म हो जाता है। प्रिय मित्रों, चिड़ा खत्म हो जाता है। जब प्रातः काल का समय होता है तो चिड़िया ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे अपने बिस्तर से उठती है और चिड़ा से जल्दी
पहुंचने की होड़ में चिड़िया उड़ती हुई उस स्थान पर आती है जहां पर दोनों का आना तय हुआ था। प्रिय मित्रों, अब चिड़िया वहां पर आकर के बड़ी खुश होती है। देखती है कि चिड़ा उसको कहीं नजर नहीं आता है। यह देखकर चिड़िया बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है, सोचने लगती है कि चिड़ा से पहले मैं पहुंच गई हूँ। चिड़िया अपने मन में बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश नजर आती है। वह यही सोचती है कि अब मैं चिड़ा से जीत गई हूँ। यही सोचकर चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और चिड़ा का इंतजार करने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। धीरे धीरे अब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आखिर में 7-8 बज जाते हैं, लेकिन चिड़ा नहीं पहुंचता है। धीरे धीरे सूर्य उदय हो जाता है। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ने लगती है। सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। तब चिड़िया अपने पति चिड़ा का इंतजार करती है, लेकिन वह चिड़ा नजर नहीं आता है। तब चिड़िया सूर्य उदय होने के बाद चारों तरफ अपनी निगाह घुमाती है और देखती है कि चिड़ा कहीं नजर नहीं आता है। प्रिय मित्रों, अब सूर्य की रोशनी और हवा लगने से बर्फ कुछ पिघलने लग जाती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है तो बर्फ के नीचे दबा हुआ चिड़ा ऊपर आ जाता है। प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया की नजर उस चिड़ा पर पड़ती है तो चिड़िया देखती है तो चिड़िया चिड़ा के पास जाकर के देखती है कि चिड़ा की मृत्यु हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, तभी वहां से चिड़िया के कानों में उस चिड़ा की आवाज गूंजने लगती है। चिड़ा कहता है कि प्रिय चिड़िया, मैं आपसे बेनतहा मोहब्बत करता हूँ, आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि जो मैंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की है। आपके यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा कि यदि मैं घोंसले में गया तो हो सकता है कि मुझे नींद आ जाए, और मैं आपसे पहले पहुँचना चाहता था, इसलिए मैं रात को यहीं पर रुक गया। और यहीं पर रुककर मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं आपसे बेनतहा मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए रात को बर्फबारी में मैं ठिठुर गया और ठिठुरने से मेरी मौत हो गई है। प्रिय दर्शकों, जब चिड़िया ऐसी भविष्यवाणी सुनती है तो चिड़िया झुर झुर रोने लगती है और अपनी गलती का पश्चाताप करती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि कभी भी किसी से इतनी भी मोहब्बत ना करो कि जो आपके प्राण ही चले जाएं। प्रिय दर्शकों, मोहब्बत कीजिए लेकिन सीमित कीजिए। जो पत्नियां अपने पति से आए दिन झगड़े करती हैं, वो इस कहानी पर जरूर गौर करें कि आप सभी लोग अपने पतियों से इतनी लड़ाई झगड़ा ना करें, इतनी नफरत ना करें कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। इसीलिए सभी पत्नियां अपने पतियों से प्रेम करें, और जब आप अपने पतियों से प्रेम करेंगी तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए अपने पतियों से प्रेम करें, लड़ाई झगड़े नहीं। जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। इस बात का शास्त्रों में भी उल्लेख है कि जो महिला अपने पति से आए दिन झगड़े करती है उस घर का पतन हो जाता है, उनके पतियों का पतन हो जाता है, और उन महिलाओं को अपना पूरा जीवन एक विधवा के रूप में व्यतीत करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय मित्रों आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।